बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओके, फर्टिलाइजर्स क्या चीज है पहले इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल टू सॉइल सम टाइम रिजल्ट्स इन प्लांट ग्रोथ विद डिजायरेबल कैरेक्टर या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, हम जो है एक बार बार हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, अगेन एंड अगेन, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, न्यूट्रेंट, कुछ न्यूट्रेंट की कमी आ जाती है सॉइल में, ठीक है। तो जब वो न्यूट्रेंट की कमी आ जाती है, तो मैंने ऑलरेडी दूसरे लेक्चर में आप लोगों को बताया था, जो पहला लेक्चर था, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये एलिमेंट अहम है, ये एलिमेंट अहम है। तो सॉइल में जब एलिमेंट या कंपाउंड की या कुछ न्यूट्रेंट्स की कमी आ जाए, तो हमारे पास फिर प्रॉपर ग्रोथ नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हम सॉइल के साथ क्या करते हैं, सम टाइम्स वी आर एड व्हाट, वी आर एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स फॉर व्हाट, फॉर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास मोर फ्रूट्स, ज्यादा आपके पास क्या हो, फ्रूट ज्यादा हो, ठीक है, फास्टर ग्रोथ, ग्रोथ क्या हो जाए, जल्दी हो जाए, ठीक है, मोर अट्रैक्टिव फ्लावर, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सॉइल के साथ जो हम चीज जो है, जो भी मटेरियल एड करते हैं, फॉर व्हाट, नेचुरली। अब हमारे पास जो है दूसरा डेफिनेशन है, अ केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, ठीक है। तो सॉइल जब हमारे पास फर्टाइल होगा, तो हमारे पास ग्रोथ सही तरीके से करेगा, जब प्लांट्स ग्रोथ सही तरीके से करेगा, तो हमारे पास फ्रूट्स जो है वो सही तरीके से आएंगे, ठीक है। तो जो फ्रूट्स होंगे हमारे पास, वो क्या होंगे, वो हमें ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास फर्टिलाइजर के दो किस्म है, वन इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ओके, फर्टिलाइजर के क्लासिफिकेशन की तरफ हम आ जाए, हमारे पास टू टाइप्स है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब हमारे पास एग्जांपल नेचुरल ऑर्गेनिक, तो हमारे पास नेचुरल होता है, लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक हमारे पास वो भी नेचुरल होते हैं, ठीक है। एग्जांपल नेचुरल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंक्लूड हमारे पास रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर, जिप्सम है, ठीक है, लाइमस्टोन, ये वगैरह हमारे पास सारे क्या ही नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे पास जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें नाइट्रोजन मेन क्या होता है, इफ नाइट्रोजन इज द मेन एलिमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज कॉल्ड व्हाट, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अब हम आते हैं अपने पहले ग्रुप की तरफ, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, द फर्टिलाइजर्स दैट आर फ्रॉम डिराइव्ड, इसको केमिकल फर्टिलाइजर भी कहते हैं, ये हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। ओके, सो द फर्टिलाइजर दैट आर प्राइमरी डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल केमिकल कंपाउंड आर कॉल्ड, हमारे पास वो फर्टिलाइजर दैट फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम केमिकल कंपाउंड, ओके, आर कॉल्ड व्हाट, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ओके, अब हमारे पास सोर्सेस क्या है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के, हम किधर से हासिल करते हैं, बॉडी में किस चीज तैयार करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ओके, रॉक फॉस्फेट एंड लाइमस्टोन एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के सोर्सेस है, ठीक है। इस सोर्स से हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर या सिंथेटिक फर्टिलाइजर हम फैक्ट्री में या मशीनरी में, इंडस्ट्री में हम लार्ज सतह पे क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ओके, सोडियम नाइट्रेट, ये वगैरह हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। इंपॉर्टेंस, अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डिसॉल्व रैपिडली इन वाटर इन इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट अपटेक, और आसानी से वाटर इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और आसानी से प्लांट आसानी से क्या करते हैं, ले सकते हैं। एफिशिएंट सप्लाई रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ, हमारे पास स्टीम और लीफ की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, अहम है, ठीक है। अगर हम प्लांट, ठीक है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेशन करते हैं, उसके बाद डायरी हम फर्टिलाइजर्स देते हैं इनऑर्गेनिक, ताकि फास्ट ग्रोथ हो जाए, मोर फ्रूट्स हमें मिले, ठीक है, हमारी पैदावार अच्छी हो, हेल्थियर हो, ठीक है, वेगोरस हो। हायर अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस रिजल्ट इन मोर फ्लावर्स, अगर हमारे पास फॉस्फोरस ज्यादा है, ठीक है, तो हमें ज्यादा फ्लावर देंगे, लार्ज फ्रूट्स, और हमें क्या देंगे, बड़े मकदार में फ्रूट्स देंगे एंड हेल्थियर फ्रूट्स, और फ्रूट्स क्या होगा, जब हेल्थी होगा तो एब्जॉर्प्शन सही तरीके से करेगा। सो फर्टिलाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरफ। सो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट सोर्सेज। ओके, so the material which are more complex chemical substances they take time to be broken down into forms usable by plants, ye bahut zyada time leta hai, theek hai, aahista aahista jo iska kya hota hai, breakdown hota hai, theek hai, to time bahut zyada leta hai. Yeah, the fertilizer that are derived from plants in animal sources is called organic fertilizers.
सोर्सेस क्या है? मैनुअल एंड कंपोस्ट. इंपॉर्टेंस क्या है? दे कैन इंक्रीज, हमारे पास जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे कैन इंक्रीज एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, इसमें ये एबिलिटी है कि न्यूट्रिएंट को क्या करे, होल्ड करे, ठीक है, एक टाइम के लिए. It will less salt, so their longer amount can be applied without injury to plant roots. इसमें salt concentration होता है as compared to inorganic fertilizer. उसमें बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है? तो इसलिए हमारे पास ये roots को injury बगैर करके वो क्या करते हैं? Absorb कर सकते हैं, ठीक है? Also increase soil drainage. Okay, soil को drainage या retain soil moisture. Okay, aeration and water holding capacity. Improve the structure of the soil. Okay. तो अब हमारे पास ये क्या था? ये हमारे पास था ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. इसका इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हमारे पास क्लियर डिस्टिंक्शन हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यूरिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हमारी बॉडी में डालते तो इनऑर्गेनिक है, ठीक है? तो इसलिए क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन इतना आप लोगों के लिए टॉपिक है. अब हम आते हैं कि इनके नुकसान क्या है. ये तो फायदे थे, ठीक है? एनवायरमेंटल हैजर्ड रिलेटेड टू यूज ऑफ फर्टिलाइजर. एनवायरमेंट को क्या नुकसान होंगे, ठीक है, फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से. अगर फर्टिलाइजर हम ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, आपने अमाउंट से ज्यादा क्या होगा एनवायरमेंट पे. नंबर वन इज इफेक्ट ऑन साइल, इंक्रीज साइल सेलिनिटी एंड एसिडिटी. साइल में क्या हो जाएगा? सेलिनिटी, साल कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें साल्ट ज्यादा होता है, और साइल क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, तो फिर बहुत ज्यादा खतरनाक होगा. सेकेंड इज यूट्रिफिकेशन. यूट्रिफिकेशन हमारे पास प्रोसेस है जो एक बॉडी वाटर बिकम एनरिच एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट. हमारे पास जब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जाता है किधर, पानी में, ठीक है, और उसमें फास्फेट अमाउंट ज्यादा हो, दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट लाइफ, यूजुअली रिजल्टिंग इन द डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है अल्गल ब्लूम. अगर हमारे पास एलजी है, हमारे पास एक पॉन्ड है, तालाब है, इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है, तो एलजी अमाउंट में ज्यादा हो जाएगा, तो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगा, जितना इस पॉन्ड में या तालाब में या कोई रिवर है, जो भी जगह है पानी है, उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाएगा. और जो हमारे पास फिश है, तो रिस्पायरेशन में या ब्रीथिंग में उसको क्या होगा, मसला होगा, ठीक है? तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो फिश क्या हो सकते हैं, फिश हमारे पास मर सकते हैं, ठीक है? थर्ड वन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड. हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस है, क्लोरोफ्लोर कार्बन स्टोरेज एंड अप्लाइड ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में कॉज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रस ऑक्साइड. फोर्थ नंबर पेस्ट प्रॉब्लम, एक्सेस नाइट्रोजन. अगर हमारे पास नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हम ज्यादा अमाउंट में देंगे तो क्या होगा, हमारे पास पेस्ट प्रॉब्लम होगा, बाय इंक्रीजिंग उसका रिप्रोडक्शन रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, पेस्ट ज्यादा हो जाएगा. तो बिना पेस्टिसाइड इस्तेमाल करके, पेस्टिसाइड नहीं हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल के लिए नुकसान होगा. न्यूट्रिएंट बैलेंस, हमें एक बैलेंस में न्यूट्रिएंट देना चाहिए, अगर ऑर्गेनिक है, अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है. अगर हम ज्यादा अमाउंट में देते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ड्यू टू नाइट्रेट लीचिंग आर रन ऑफ सॉल्युबल आर कंपाउंड. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, आल्सो इफेक्ट ऑन एयर क्वालिटी. ओके, ऑर्डर फ्रॉम उसकी बू जो होता है, बहुत ज्यादा खराब होती है, बदबू होता है, ठीक है? सो एयर क्वालिटी को क्या करते हैं, ठीक है, अगर हम 6 नंबर की तरफ आ जाएं, ठीक है, तो हमारे पास इधर 6 नंबर क्या होगा, पहले हमने बता दिया 6 नंबर हमारे पास होगा इफेक्ट ऑन एयर क्वालिटी, इफेक्ट ऑन एयर क्वालिटी. तो हमारे पास ऑर्डर बदबू, ओके, क्या करते हैं, हमारी हवा को क्या करते हैं, एयर क्वालिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करता है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट द एयर क्वालिटी. 7 नंबर हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑन, इफेक्ट ऑफ पैथोजन. जो हमारे पास मैनुअल पैथोजन है, ठीक है, तो हमारे पास जो मैनुअल पैथोजन है, ठीक है, बेसिकली दे आर ट्रांसमिटेड टू सरफेस वाटर. किधर जाता है, वाटर में ना, सरफेस वाटर, तो ये पानी में जाता है, ठीक है, और वो पानी जब एनिमल या ह्यूमन पीते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, टू सरफेस वाटर कैन इफेक्ट ऑन द ह्यूमन एंड एनिमल इफ दे आर कंज्यूम. अगर उसको पीते हैं, ठीक है, दे आर ड्रिंक द वाटर, वो पानी को पीते हैं, एनिमल है, ठीक है, हम जानवर अक्सर ले जाते हैं, ठीक है, दरिया में, ठीक है, वगैरह में, ओके, उसको पानी देने के लिए, तो अगर वो पानी पी ले या इंसान वो पानी पी ले, ठीक है, इफ कंज्यूम ह्यूमन या एनिमल, सो दे आर वेरी डेंजरस. ओके, वो पैथोजन फिर क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के डिजीज कास करते हैं, ठीक है. तो आज का हमारे पास टॉपिक ये था, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर, फायदा भी है और साथ में नुकसान भी है, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट को इफेक्ट भी करता है, तो हमें खास अमाउंट में ये देना चाहिए, ठीक है. ओके, अल्लाह हाफिज, विशेज यू बेस्ट ऑफ लक.